इधर की ओर ये देखिए अपना है भारत चाइना नाथुला बॉर्डर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या होता है भैया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। सिक्किम के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि नॉर्थ सिक्किम टूर, जिसमें लाचुंग, लाचांग, गुरुडोन मार्ग, ये सब टूर तो हमने आपको करा दिया, और आज हम आपको लेके चल रहे हैं ईस्ट सिक्किम टूर पे, जिसमें आज हम आपको घुमाने लेके चलेंगे नाथुला पास, चंगू लेक और बहुत सारे पर्यटक स्थल। तो अभी समय सुबह के 8:17 हो रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल मास्कट ब्लू से वाजरा टैक्सी स्टैंड पे। यहां से शेयरिंग टैक्सी में आपको लेके चलेंगे ईस्ट सिक्किम टूर पे, जिसमें ईस्ट सिक्किम टूर एक दिन का होता है, जिसके लिए आपको टिकट यहीं से लेनी पड़ेगी। शेयरिंग में आपको 900 रुपये लगेगा और एक गाड़ी में 10 आदमी भर के लेके जाएंगे, ठीक है, बुलेरो या टाटा सुमो गाड़ी रहेगी। और आपको खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको अपने पैसे से खाना पड़ेगा। बजे का प्रॉमिस किया था, लेकिन 8:49 हो गए, अप्रॉक्स 9 बजे तक अभी हम निकलने वाले हैं। चलिए इस गाड़ी में हम फटाफट बैठते हैं और ले चलते हैं आपको ईस्ट सिक्किम के एक दिन के टूर पे। वाजरा स्टैंड से निकले हुए करीब 1/2 घंटा हो गया है और अभी हम रुके हैं पेट्रोल डलाने के लिए एक पेट्रोल टैंक पे। यहाँ पे जैसे पेट्रोल डला लेते हैं, उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे। गंगटोक शहर के जैसे बॉर्डर पे आएंगे, वहाँ पे ये थर्ड माइन चेक पॉइंट आएगा। चाहे आप शेयरिंग से आ रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट से आ रहे हैं, आपको 10 रुपये प्रति सवारी आपको टूरिस्ट को गवर्नमेंट को यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। अभी हम आसमान की ऊंचाइयों में हर तरफ कोहरा ही कोहरा देख रहे हैं। आगे देखेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए एकदम, और आनंद में एकदम आ रहा है। हम चले अपने वाजरा स्टैंड से 9:17 पे और अभी हो रहे हैं 11:04, मतलब करीब 2 घंटे में हम आ गए हैं ये चंगू लेक। इस जगह को बोलते हैं चंगू लेक, और यहाँ से ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं वैली का, एक काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप इस नज़ारे को पहले देखिए। मतलब पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में एकदम धुआं धुआं कोहरा निकल रहा है गुरु, और धुआं ऐसे गाड़ी एकदम लहरा के वहीं देखिए गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे ड्राइवर साहब ने रोका है, ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पे रोका है। क्यों रोका है भैया? यहाँ से जिसको चाय पानी नाश्ता सुसु वगैरह करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, और यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो ठंड पड़ेगी, तो वहाँ ठंड के कपड़े वगैरह भी ले सकते हो। तो भैया हम सोचे आपको दिखा दें, फिलहाल हमें तो ठंड नहीं लग रही है, लेकिन फिलहाल देखते हैं ऊपर जाके क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्क कर दिया है और यहाँ से भी हम ऊपर जाएंगे, देख लेते हैं कि जैकेट ले लेता हूँ, क्या पता ठंड लगे, नहीं तो ठंड कुड़कुड़ा आ जाएंगे तो बोलेंगे बहुत हीरो बन रहा है कलवा।
लोग यहाँ से हमने बिस्लेरी का बॉटल और एक कुरकुरे का पैकेट ले लिया है। अब बिस्लेरी का बॉटल हमें 30 रुपये का पड़ा और कुरकुरे 10 रुपये वाला 20 रुपये का पड़ा। ऐसा महंगाई क्यों है, इसके पीछे भी भाई साहब ने हमें कारण बताया है। वो कारण यह है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर में पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये जो आप कुरकुरे का पैकेट देख रहे हैं वो एकदम फूला होगा, टाइट होगा, एकदम हवा भरी होगी, ठीक है। अब जब कोई नहीं लगेगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा ना, ये पैकेट ऑटोमेटिक फट जाएगा, तो इनका नुकसान हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए ये लोग थोड़ा महंगा देते हैं ये चीज़ें। चलिए अब ड्राइवर साहब आ गए हैं, अब फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे आपको लेके चलते हैं नाथुला पास की ओर। लोग इधर की ओर जो लेक देख रहे हैं यह है चंगू लेक, चंगू जो हम आते वक्त रुकेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें पहले नाथुला घूमना है, उसके बाद आते वक्त हम चेंगू लेक घूमेंगे, ठीक है। और जो मार्केट था पीछे वो टेंगू या चेंगू जो भी बोल लीजिए, वो टेंगू चेंगू स्टॉपिंग मार्केट है, ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं आपको, बने रहिए। अभी जस्ट हमने नाथुला बॉर्डर क्रॉस किया है, वहाँ पे आपकी जो परमिट रहेगी, परमिट की जांच आपके ड्राइवर कराएंगे, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। सुबह 9:17 पे हम अपने गैंगटॉक के वाजरा टैक्सी स्टैंड से निकले थे नाथुला के लिए, और अभी समय हो रहे हैं 12:03 और हम पहुंच गए हैं इस इंडिया चाइना के नाथुला बॉर्डर। नाथुला बॉर्डर हम आपको यहीं से दिखा पाएंगे क्योंकि आगे ऊपर कैमरा अलाउड नहीं है। अब कैमरा आप लेके जा सकते हैं लेकिन फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते, इसके आगे आप फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते, और इसके आगे अगर आप फ़ोटो खींचते हैं या फिर कैमरा लेके जाते हैं फ़ोटो भी तो खींचते हैं तो आर्मी वाले पकड़ के आपको 5,000 रुपये का फाइन करेंगे, प्लस आपका कैमरा या मोबाइल छीन लेंगे, वो आपको देंगे नहीं, ठीक है। तो इस बात का स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। इधर की ओर ये देखिए अपना है भारत चाइना नाथुला बॉर्डर, यहीं से हम आपको दिखा सकते हैं। आगे लिखा है फ़ोटो खींचना सख्त मना है। और तक यहाँ पे जो फोर्स वाले हैं वो बता रहे हैं कि आप बता दीजिए इसमें कि अगर आप यहाँ पे आते हैं शेयरिंग गाड़ी में या प्राइवेट गाड़ी में ऊपर जाते हैं क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको सीधे वो नीचे एमआई रूम में आपको शिफ्ट कर देंगे और आपके ड्राइवर को ढूंढ के आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये है नाथुला बॉर्डर। इधर की ओर आप देख सकते हैं, इधर की ओर जो है ना, जो आप आएंगे तो गाड़ियाँ पार्क वहीं होती हैं, गाड़ी पार्क नीचे होती है, और गाड़ी पार्क से नीचे से आप ऐसे घूम के आएंगे यहाँ पे आपको आपकी गाड़ी छोड़ देगी। और ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, देख लीजिए, बता रहे हैं। गाड़ी का फ़ोटो लेके जाइएगा, आप आइएगा तो गाड़ी नंबर याद रखिए, गाड़ी का फ़ोटो लेके जाइएगा ताकि अगर आपको ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सुरक्षित वो आपके गाड़ी तक पहुँचा दें, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, और इधर की ओर यही है भारत चाइना नाथुला बॉर्डर। सब्सक्राइब टू हिज चैनल, हाय, लाइक हिज वीडियो एंड आवर इंस्टाग्राम आईडी हच आफताब। सर आपके साथ एक वीडियो, सर बिल्कुल, थैंक यू सर। हम लोग सोचा नहीं था आपको मिलेंगे, बोल रहे फोटो ना महिला यार, ये तो यहां भाई सर बहुत बड़ा फैन हो यार आपका, अभी आप रशिया से आ रहे हो सर? हां रशिया से, सर आप सब वीडियो देखा है सर आपका? थैंक यू सर, थैंक यू। हम कब से देख रहे हैं? अच्छा,
यहाँ पे हम नाथुला पास में शूट कर रहे थे, यहाँ पे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और फैन मिले हैं। आप लोग कहाँ से सर? सब लोग, ये लोग असम से है, और आप लोग इस तरह मिल जाते हैं, अपने मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, और बहुत मोटिवेट हमें मिलता है। अब बस इसी तरह अपने छोटे भाई को इस प्रकार प्यार बनाए रखिए। श्योर श्योर सर, एक बात बोलेगा सब कोई, हम सबके तरफ से आप पूरा इंडिया घूमते हो, पूरा वर्ल्ड घूमते हो, एक बार हो सके तो आसाम के ट्रेवल करके बिल्कुल 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 आएंगे, एक बार आसाम आना है सर, बिल्कुल आएंगे। सो गाइस, नाइस मीटिंग यू सर। सर 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 फाइनली हम नाथुला पास वहाँ से घूम के वापस आ चुके हैं। अब हम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपको बता दें। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बिल्कुल आमने सामने भारत और चाइना का गेट है। मतलब ये ऐसे दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार, छोटी सी दीवार के उस पर चाइना की बिल्डिंग है, ठीक है। और वहाँ पर एक हमारे सैनिक खड़े रहते हैं, वो आपको बता देते हैं कि इसके उधर मत जाइए आगे, वो चाइना की बिल्डिंग है। और उसके सामने इस साइड देखेंगे तो इधर भारत का गेट है, इधर चाइना का गेट है। काफ़ी अच्छा अनुभव है, ठीक है। तो आप ये चीज़ करें, मास्क बिल्कुल पहन के जाएं वहाँ पे। और फाइनली हम घूम के आ चुके हैं, आप सिक्किम आइएगा तो नाथुला ज़रूर आइएगा। और फिलहाल हम नीचे जा रहे हैं, हमारे टैक्सी वाले बोले थे कि 12:40 पर पहुँच जाइएगा। तो इधर की ओर देख सकते हैं, इधर की ओर हमारी पूरी नीचे टैक्सियाँ खड़ी हैं, जिस टैक्सी से हम आए थे, और हम इधर से ऐसे से घूम के वहाँ जाएंगे, अपनी टैक्सी गाड़ी नंबर से ढूंढेंगे। इस प्रकार बोर्ड लगे हुए हैं और हर तरीके से नज़ारे हैं। सामने का आपको दिखाता हूँ नज़ारा, सामने फॉगी फॉग है और सब लोग जितने देखते हैं पब्लिक हैं, उतने पब्लिक वहाँ से नीचे आ रहे हैं घूम के, क्योंकि टैक्सी स्टैंड नीचे है। आते टाइम जब आप जाएंगे टैक्सी वाला आपको ऊपर छोड़ देगा, लेकिन जब उधर से आप वापस आएंगे तो आपको थोड़ा वॉक करके आना पड़ेगा, और ये अच्छा है आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। आगे हमारी टैक्सी शायद इसी पे लगी है, 3088 नंबर है। तो हमने ये नाथुला पास देख लिया और यहाँ पे जितने भी आप लोग सब्सक्राइबर हमारे मिले, फॉलोअर्स मिले, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, आप लोगों से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है। कभी यहाँ पाए यूट्यूब वीडियो में, आ जाइए। देखिए भैया, और हमारे बहुत अच्छा भैया, जब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या तो भैया शेयर करें, भूलना नहीं है, और कमेंट जरूर करें। भैया बहुत स्पोर्टी हैं, ट्रैवलर हैं, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये रॉक, वी रॉक, भैया रॉक, लेट्स रॉक। थैंक यू। इधर की ओर ये टैक्सी स्टैंड, टैक्सी में आएंगे, यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इंडियन आर्मी वेलकम टू यू, भारतीय सेना आपका अभिनंदन करती है। ये देख लीजिए बैक कैमरे, अभी हम इस नाथुला के टैक्सी स्टैंड हैं, घूम के वापस आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमारी भारतीय सेना ने कितनी अच्छी बात लिखी है, प्राउड टू बी एन इंडियन, अर्थात गर्व है भारतीयता का, ठीक है। तो चलिए, हमारी ये गाड़ी आ चुकी है, हम यहाँ से बैठते हैं और निकलते हैं इस नाथुला पास से, अपने अगले पड़ाव, अगले पर्यटक स्थल नीचे जाएंगे, बाबा मंदिर की तरफ। नाथुला बॉर्डर से हम बाहर निकल चुके हैं और अब हम आपको लेके चल रहे हैं बाबा हरभजन सिंह के मंदिर की ओर। बने रहिए, ये आगे का नज़ारा देखिए, बहुत शानदार नज़ारा है। नाथुला भारत चीन का बॉर्डर देखने के बाद अब हम आ चुके हैं 3 किलोमीटर आगे, बाबा हरभजन सिंह का प्रसिद्ध मंदिर है। आप टैक्सी से आएंगे, टैक्सी वाला आपके यहीं गाड़ी पार्क करेगा, और उधर की ओर आप देखेंगे तो उधर की ओर देखिए, वहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा बनी हुई है। और इधर की ओर, यहाँ से हम ऊपर जाके दिखाएंगे आपको मेन गेट से कैसा दिखता है
बाबा हरभजन सिंह का ये मंदिर, जैसा कि ड्राइवर साहब ने हमें बताया, और कहते हैं मान्यता ये भी है यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं, जैसे आपके घर में कोई बीमार है, यहाँ से एक बिसलेरी का बॉटल लीजिए, उस पर अपनी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है उसको लिखिए, उसका नाम लिखिए जो परेशानी है, और बोतल को 10 मिनट के लिए बाबा के मंदिर में छोड़ दीजिए, और उसके बाद जब वापस आते वक्त उस पानी को, बिसलेरी के पानी को अपने साथ ले जाइए, और जो आपका बीमार व्यक्ति है घर में उसको 21 दिन तक पिलाइए, और 21 दिन तक अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है तो नॉनवेज वगैरह मत खाइए, ऐसा यहाँ के लोग मानना है। ऐसा आप करने से 21 दिन तक बाबा का चढ़ाया हुआ पानी मरीज को पिलाने से वो मरीज स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों आप बाबा हरभजन सिंह के मंदिर दर्शन कर लेंगे, दर्शन करने के बाद जैसे आप इधर थोड़ी सी दूर आएंगे तो दर्शन करने के बाद अपने बाएं साइड में, जैसे वो देखिए वो बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है, और उसके बगल में आप अपने बाएं साइड में देखेंगे तो ये रोड के बगल में बाबा हरभजन सिंह के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, मतलब इतिहास लिखा हुआ है कि बाबा हरभजन सिंह कौन थे, कैसे उनके नाम पर मंदिर बना, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लीजिए। आगे ना भैया लोग, यहाँ से अगर आप मानसरोवर जाना चाहते हैं तो उसका मैप बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं तो नहीं पहुँच रहा, क्योंकि वहाँ आप तभी जा सकते हैं जब बाबा की आप पे कृपा होगी, जब भोले बाबा आपको बुलाएंगे, ठीक है, वो देख सकते हैं। लेकिन वहाँ नहीं, लेकिन मैं भी आपको भोले बाबा का ही स्वरूप, वहाँ पर वो देखिए वो भोले बाबा की जो प्रतिमा दिख रही है उधर, वहाँ हम आपको भी लेके चलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मानसरोवर का पूरा मैप बनाया हुआ है, इसमें देख लीजिए बोर्ड में, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। क्या अब हम आपको लेके चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, वहाँ पे देखिए उधर प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा को दिखाने लेके चल रहे हैं। पहाड़ी रास्तों से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की ओर, तो देखिए यहाँ पे साइड में बोर्ड लगा हुआ है कागमा का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे की ओर दिखाते हैं आपको, चलते हैं लेके, वहाँ पे भी कुछ तस्वीरें वगैरह खींचेंगे। आप भी तस्वीरें वगैरह खिंचाने का शौक़ रखते हैं तो आप इधर आके पत्थरों के करीब जाके आप फ़ोटो अपना खिंचवा सकते हैं। चलिए आगे का आपको दिखाता हूँ कैसा क्या सीन है पूरा। फ़ोटो के तो भैया सब लोग एकदम शौकीन हैं और एकदम जैसा, ये देखिए यहाँ पर लाजी, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है लाजी, मतलब पास के कुछ होंगे पर्यटक स्थल, उसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कितना है, कौन है, यहाँ से कितना दूर है, ये बोर्ड लगाया गया है, आप पढ़ लीजिए। थोड़ी ऊपर हम और आए तो देखिए यहाँ एक और बोर्ड मिला, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है इसके बारे में, ये देखिए ये सब जगह चाइना में पढ़ते हैं जोगम्बा, ये देखिए पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। लॉगिन करते हो? हाँ। कौन सा चैनल? ट्रेवल जंकी। एकदम इस प्रकार ऐसी पहाड़ी रास्तों से, पत्थरों के ऊपर से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। आगे का नज़ारा देखिए, इधर का घुमा, ये पूरा व्यू है, घुमा रहे हैं, थक गए क्या? कम थोड़ा सा थक गया। ये भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो के लिए, इनको पूरा सपोर्ट कीजिए ना, ठीक है, इनको पूरा सपोर्ट कीजिए, इस सो असम और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे मनीष जनेजा। क्या अब मैं इन देख लिया, अब मैं इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को दिखाता हूँ आपको ऊपर से।
सकते हैं फाइनली हम पहुँच चुके हैं। वहाँ से बाबा हरभजन सिंह का मंदिर देखने के बाद हम भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के पास, और यहाँ पे प्रतिमा की आप परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा करेंगे आप। हैं यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे जूनजूँ फू, ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जैसे हर प्रकार, जैसे आप हरभजन सिंह के मंदिर से, जैसे आप बाबा हरभजन सिंह मंदिर से आप चल के इस भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के पास आएंगे, ऐसे इस प्रकार बोर्ड लगे हुए, बोर्ड के बारे में, जगहों के बारे में लिखा हुआ और बताया होगा। तो मैं सारे बोर्ड दिखाते आ रहा हूँ आप इनको। जैसे बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा को देखने के बाद आप एक परिक्रमा करके आप यहाँ पे आएंगे, तो आपको इधर की ओर ये बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग मिल जाएगा, और उसके बगल में ही वाटरफॉल, तो आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से आप चलते हैं हम अपने टैक्सी स्टैंड की ओर, और वहाँ से फिर बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। काफ़ी पत्थर वाले रास्ते हैं, आप हाथ पैर बचा के चलें और आराम से चलें। तो देख सकते हैं सब लोग आ चुके हैं और गाड़ी स्टार्ट हो गई, हम यहाँ से बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव चंगुल लेक की तरफ। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर से अप्रॉक्स 45 मिनट की अपनी शेयरिंग टैक्सी से यात्रा करने के पश्चात फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस चंगू लेक। ये देख लीजिए, ये चंगू लेक एरिया है। यही है आपकी ईस्ट सिक्किम टूर की चंगू लेक। ये देखिए पूरा चंगू लेक है, और आप यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे इनकी यक की आप सवारी कर सकते हैं। अगर आप यक की सवारी करना चाहते हैं तो अगर इनके साथ फोटो अगर आप खिंचाना चाहते हैं तो फोटो खिंचाने का आपको 100 रुपये चार्ज है, 100 रुपीज़। और राइड करते हैं तो छोटी सी आपको वहाँ तक राइड कराएंगे वो लास्ट तक, और वहाँ से यहाँ तक राइड करा के लाएंगे तो उसके लिए 450 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 450 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे राइड करने का, मतलब घूमने का। अगर फोटो खिंचवाएंगे तो मान के चलिए वही आपका 100 रुपये में फोटो खींच देंगे, ठीक है। तो अभी चंगू लेक का आप शॉट देख लीजिए। तो दोस्तों इधर का तो आपने व्यू देख लिया और इधर का भी देख लिया, और अब हम आपको दिखा रहे हैं सामने, ये है चंगू बाबा जी का मंदिर। एक्चुअली चंगू बाबा का मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, और अंदर भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा है, और चलिए मैं उस प्रतिमा को आपको अंदर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ थेंगू लेक, अगर आप रोपवे करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप रोपवे कर सकते हैं, लेकिन अभी कोहरा है तो रोपवे में क्या देखेंगे। रोपवे का चार्ज है अप्रॉक्स 350 रुपये। तो आप रोपवे अगर करना चाहें तो रोपवे कर सकते हैं, बने रहिए। अब चलिए हम चलते हैं, हमारे गाड़ी वाले हमको बुला रहे हैं, एकदम आगे मुद्दी है, बोलो चलिए चलिए चलते हैं अब यहाँ से। अब डायरेक्ट हम खाना खाने जाएंगे, खाना खाने के बाद हम आगे चलेंगे। जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर साहब हैं उन्होंने यहाँ पे गाड़ी फिर रोक दी लाके आते वक्त, कि भैया अब आप यहाँ अपना भोजन वगैरह कर, लंच वगैरह कर लीजिए, दोपहर का भोजन वगैरह कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब देखते हैं ऊपर कुछ भोजन वगैरह होता है तो कुछ खाएँगे पियेंगे, नहीं तो फिर भैया अपना हम तो आगे जाएंगे। और यही नज़ारा तो दिखा ही चुका हूँ, ये पूरा तो क्या दिखाऊँ, जो है यही है, जैसा है यही है। इस जगह नाम जगह को बोलते हैं टोसोंगो चेंगो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए, यही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
भैया एकदम दिल से मैगी बना रहे हैं बहुत प्यार से, ठीक है। तो आप आए यहाँ पे मैगी टेस्ट करें, एकदम वेजिटेबल्स वगैरह डाल के मस्त एकदम झमाझम। तो ये कौन सी जगह है भैया? ये छंगू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट में भैया का दुकान है, दुकान नंबर है 48, ठीक है। तो आप आइएगा यहाँ पे, आपके ड्राइवर साहब, आप पैकेज में आएंगे तो आपके ड्राइवर साहब रोकेंगे यहाँ पे और आप आनंद लीजिए। हमारी मैगी फिलहाल बन रही है, तब तक हम थोड़ा फोटो शूट वगैरह करा लें। और अभी हम भैया धरती से 12,400 फीट ऊंचाई पे हैं, ये भी ठीक है। स्टेट बैंक के सामने जाइए ना, वो लिखा हुआ है। स्टेट बैंक के सामने भी लिखा हुआ है, ये स्टेट बैंक है। और ये देखिए यहाँ पे इधर की स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, ये है यहाँ का 12,400 फीट ऊंचाई पे है ये स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ये देख लीजिए अभी शटर बंद है, देख सकते हैं। अब मेरी मैगी आ चुकी है और मैगी को भैया ने बहुत प्यार से बनाया है और सूप वाली मैंने बोला था, सूप वाली उन्होंने बनाया है। चलिए फटाफट थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कैसी लग रही है मैगी। अच्छा चलिए फटाफट खा लेते हैं फिर मिलते हैं। अब हम रिटर्न वापस जा रहे हैं गैंगटॉक, लेकिन गैंगटॉक जाने से पहले एकदम सामने देखिए कोहरा कोहरा और हल्की हल्की बूंदाबांदी, एकदम मनमोहक दृश्य है। आय का नज़ारा आप लोग देखते रहिए, बस पहुंच जाएंगे अब थोड़ी। आगे देखिए दोस्तों इतनी मतलब धुआंधार बारिश हो रही है ना कि एकदम क्या बताएं, एकदम कोहरे वाली एकदम धुआंधार गर्दा बारिश, एकदम कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भैया एकदम गाड़ी एकदम चलाया जा रहा है, मज़ा आ रहा है। काफ़ी एक्सपर्ट यहाँ के ड्राइवर होते हैं। अपनी गाड़ी से आने के लिए तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आप नहीं चला सकते अपनी गाड़ी इन पहाड़ी रास्तों में, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो भैया लोग जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम बाजरा टैक्सी स्टैंड से निकल चुके हैं। और तो इसी के साथ ये था हमारा आज का ईस्ट सिक्किम के वन डे टूर, जिसमें हमने आपको दिखाया नाथुला भारत चीन बॉर्डर और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर और चंगू लेक का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। अब हम जा रहे हैं अपने होटल, होटल का क्या आपको व्यू दिखाएं, वही मास्केट ब्लू है, दिखा चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा आराम करेंगे। सुबह के अभी 5 बज चुके हैं और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, जैसा कि मेरे पास एक रिमाइंडर कॉल भी आ गया है विज राइट की तरफ से और ड्राइवर का नंबर भी आ गया है। तो मैंने ड्राइवर से कॉल किया तो बोले ठीक है आप MG रोड पर आ जाइए। तो मैं अभी अपने होटल से MG रोड पर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं अपना विज राइट की टैक्सी करूँगा और ले और जाऊँगा आपको एयरपोर्ट। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं बगडोगरा एयरपोर्ट, और बगडोगरा एयरपोर्ट आने के लिए वही मैंने गैंगटॉक से विज राइड मैंने किया था, जो कि मुझे 899 रुपये की टिकट पड़ी थी। पहले मैंने बुक किया था, मुझे अच्छी सीट मिल गई थी। तो मैं आ गया हूँ बगडोगरा एयरपोर्ट, और बगडोगरा एयरपोर्ट से अब मैं यहाँ से निकलूँगा अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। वेस्ट बंगाल का बगडोगरा एयरपोर्ट एक डिफेंस एयरपोर्ट है, इसलिए मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस गैंगटॉक के सिक्किम सीरीज का वीडियो का आखिरी वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ पूछते हैं, कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। अब हमने फाइनली अपना चेक इन कर लिया है।
चेकिंग में हमसे कुछ नहीं मांगा, वही हमारी कोविड रिपोर्ट सबसे पहले मांगी और टिकट देखा, उसके बाद बोला कि आप जाइए।